अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़वेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे थे कि भाई आपने सिम कहाँ से ली है और सिम के पैकेजेस क्या हैं, आप कौन से सिम यूज़ करती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, तो एक से ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, तो मैंने कौन सी सिम ली है। तो जी, मैं जितनी बार भी आई हूँ हमेशा मैंने ज़ैन की सिम यूज़ की है, क्योंकि मेरा ज़ैन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यही सोचा कि इस बार भी ज़ैन की सिम लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़ैन के क्या क्या पैकेजेस चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक दो बातें बताती हूँ। जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जैसे ही आप बाहर आते हैं अपनी बसेस के पास, यानी कि आपकी जो भी शिरका कंपनी होती है, शिरका मीन्स ट्रैवल कंपनी, तो वो ट्रैवल कंपनी की जो भी गाड़ियाँ होती हैं आप उनके पास आएंगे, तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं ज़ैन के, सिम के, एसटीसी, मोबाइली, और वो आपको आके उनके पैकेजेस बताएंगे और आपको एक ऑफ़र देंगे कि आपको वहाँ इतनी महंगी मिलेगी, हम आपको सस्ती दे रहे हैं। जब आप वो सिम ले लेंगे, आप लेकर जब अपनी गाड़ी में बैठेंगे और वो उधर से चले जाएंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि जी आपके साथ तो गलत हो गया है, क्योंकि वो पैकेजेस भी नहीं होते उसके अंदर, उनके अंदर मिनट्स भी नहीं मिल रहे होते। ये क्या होता है, एक तरीके से स्कैम्स होता है। आप बिल्कुल उतरे होते हैं, आपको भी अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई हम खैर खैरियत से पहुँच गए, हमारा जहाज़ पहुँच गया है, अब हम जद्दा हैं और मक्का जा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फ़ौरन आपको एक तरीके से ट्रैप करते हैं और ट्रैप के साथ साथ आपको सिम बेचने की कोशिश करते हैं और आप ये ख़रीद भी लें। और दूसरा ये होता है कि यहीं पर, यानी कि जब अपने होटल से निकलते हैं, इब्राहिम अल खलील रोड, शाहरा हिजरा, यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं हर कंपनी के, वो भी आपको घेरते हैं कि भाई आ जाओ हमसे सिम ले लो, सस्ती है, कुछ फ्री भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं होती। अगर फ्री आप सिम ले लेंगे, ठीक है, आपने सिम तो ले ली, आपको फ्री सिम मिली, लेकिन उसको रिचार्ज आपने कितने का करवाना पड़ेगा, वही 80 रियाल का। इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, आप अगर मदीना में हैं तो मैं आपको मदीना पहुँच कर भी कोशिश करूँगी कि किसी वीडियो में लोकेशन बता दूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि 21-22 नंबर गेट पर मदीना में आगे जाएंगे तो ज़ैन का ऑफिस है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ में प्रोसेस भी बता देती हूँ कि किस तरह आप सिम खरीद सकते हैं, ताकि जितने भी लोग आएँ उनको बहुत आसानी हो। लेकिन यहाँ पर मशवरा यही दूंगी कि आपने सिम सिर्फ इसी फ्रेंचाइज से लेनी है, इनकी ऑफिशियल फ्रेंचाइज से ही लेनी है। तो चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका क्या प्रोसेस है और ये शॉप किस तरफ है। सामने आ रहे हैं अब्दुल अजीज गेट से, जो अभी ये मीनार बन भी रहे हैं, ठीक है। ये जो है, ये है क्लॉक टावर और ये है मक्का टावर। काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मक्का टावर और क्लॉक टावर एक ही है, तो नहीं जी, मक्का टावर अलग है और क्लॉक टावर अलग है। मक्का टावर वो है जो मेरे बैक पे है, पहले ये हिल्टन टावर था, और क्लॉक टावर वो है जिसके ऊपर क्लॉक बनी हुई है, ठीक है, जो आपको मक्का में हर जगह से नज़र आ जाता है। ये है हरम और ये सामने बिन दाऊद है, और यहाँ से इधर है ज़ैन। इस ज़ैन में जाते हैं और फिर पूछते हैं सिम का कि क्या और कितने की मिल रही है। ये हैं जी इनके पैकेजेस, आप देख लें। अच्छा, अगर ये सिम कोई परचेज करता है तो ये 2 हफ्ते बाद बंद हो जाएगी और ये 4 वीक्स बाद बंद हो जाती है। अब जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको 10 GB चाहिए, 20 GB, 25 GB, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह अनलिमिटेड चाहिए, तो ये पैकेजेस बेस्ट हैं। मैंने 81 रियाल वाली ली है, और इस वक्त मैं पापा के लिए आई हूँ, तो उनके लिए भी हम 81 वाली लेंगे। मैंने कल उम्रा करते हुए, यानी कि पहला दिन था मेरा उम्रा करते हुए ली थी, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं ली थी, और इस वजह से बेटियों नहीं बना सकी मैं बिल्कुल भी। ये इनका ऑफिस है, सिस्टम उनका थोड़ा सा चल रहा है, मतलब मसला कर रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रोसेस होगा, मतलब सिम परचेज़ करने का आपको क्या प्रोसेस होगा। अभी वो मुझे बुलाते हैं, उन्होंने कहा वेट करें, बुलाते हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या प्रोसेस आपको देना पड़ेगा जी। वीज़ा कॉपी, तो जब भी सिम परचेज़ करने आए वीज़ा कॉपी ज़रूर 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 लेकर आए, और जिस बंदी की सिम लेनी है उसको भी साथ लेकर आएँ, क्योंकि थंब प्रिंट लेंगे। ये लगवाएंगे जी थंब, उसके बाद जी आप ख़ुद रिचार्ज करवाना चाहें तो ये प्राइसेस हैं, ये प्राइस लिखे हैं लोकल मिनट इंटरनेट और सोशल मीडिया, या आई थिंक सो जिनके अकामा वगैरह पे होती होगी उनके लिए ही काम आती होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी, और अगर आप मेरा पूरा ट्रिप
इंस्टाग्राम स्टोरीज पर देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर अपना लिंक भी मेंशन कर देती हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फिया मानिल्ला।